मैं आज आपके सामने एक ऐसे इंसान की स्टोरी शेयर करूंगा जिसको ये पहले ही पता चल जाता है कि मैंने 143 डेज और जिंदा रहना है और इसके बाद मैंने मर जाना है, और वो इन 143 डेज में मरने से पहले एक ऐसा काम कर जाता है कि उसको इसके काम की वजह से आज भी याद किया जाता है। पहले ये वीडियो देखें। I'm not special. Cancer happens to people all the time. I take 1 mile at a time, 26 miles a day. I want to set an example that'll never be forgotten. Sometimes, it feels endless. But the pain I feel is nothing. I've seen little kids in so much pain. Somewhere, the hurting must stop. Terry Fox ran more than halfway across Canada to raise money for cancer research. Every year, millions of people... इस बंदे का नाम टेरी फॉक्स है। ये 1958 में कनाडा के एक शहर में पैदा होता है और जब इसकी उम्र 22 साल होती है तो कैंसर की बीमारी की वजह से इसकी एक टांग काट दी जाती है और उसमें रॉड डाल दिया जाता है, मतलब कि मसनू टांग लगा दी जाती है, और उसको ये बात बता दी जाती है कि आप इस दुनिया में बस 143 डेज और जिंदा रह सकते हो, इसके बाद आपने मर जाना है। तो वो ये सोचता है कि मर तो मैंने जाना ही है, तो ये जो मेरी बाकी ज़िंदगी बची है, ये जो दिन बाकी हैं, मैं इसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ। वो पैदल सफ़र शुरू कर देता है इस गरज से कि डोनेशन इकट्ठी की जाए, पैसा इकट्ठा किया जाए। वो तकरीबन कुछ 5,500 किलोमीटर पैदल सफ़र करता है और इस सफ़र में वो तकरीबन 650 मिलियन कैनेडियन डॉलर की एक खती रकम इकट्ठी करने में कामयाब हो जाता है। ये रकम इस मकसद के लिए इकट्ठी करता है कि मैंने मर तो जाना ही है, क्या कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा काम कर जाऊँ जिससे लोगों को फ़ायदा, लोगों को भला हो। वो इस रकम से या तो रिसर्च सेंटर बनाना चाहता है कैंसर के लिए, या वो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता था। तो उसको इस काम की वजह से आज भी याद किया जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि हालात क्या हैं, उसने ये नहीं सोचा कि मेरी एक टांग है, एक नहीं है, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, बल्कि उसने ये कहा कि जो दिन हैं मैं उसमें क्या बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। और उसको इसके इसी ही कारनामे की वजह से आज तक याद किया जाता है, इवन के कनाडा के मशहूर लोगों में उसका शुमार होता है, और कनाडा के एक मशहूर शहर में उसका पब्लिक प्लेस पर आज भी मुजस्मा लगा हुआ है। अगर एक इंसान की उम्र 100 साल हो तो उसके हिस्से में तकरीबन 36,500 दिन आते हैं, और इन 36,500 दिनों में बहुत से दिन तो हम गुजार भी चुके हैं, बहुत से दिन ऑलरेडी गुजार चुके हैं। क्या हम देख सकते हैं, खुद को ऑडिट कर सकते हैं कि इन 36,500 दिनों में जो दिन हमने गुजार दिए हैं उसमें कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से मुझे याद रखा जाए, मुझे रहती दुनिया तक याद रखा जाए? अगर नहीं तो आज से ज़रूर सोचें, थोड़ा सा टाइम खुद को दें और ख़ुद को ऑडिट करें कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया है। अगर नहीं किया तो जो मेरी ज़िंदगी बाकी है, जो दिन बाकी बचते हैं, मैं इसमें क्या बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ कि जिससे लोगों का फ़ायदा होगा। तो मैटर ये नहीं करता कि हालात क्या हैं, मैटर ये नहीं करता कि वसाइल कितने हैं, मैटर ये भी नहीं कहता कि आप किस खित्ते या किस कंट्री से हो, मैटर ये नहीं कहता कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। एक बात मैटर ज़रूर करती है कि आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, और आपने करना क्या है। क्या आप भी वैसे लोगों में तो नहीं हैं जो हर वक्त हालात का रोना, मसाइल का रोना, इस खित्ते का रोना, मुल्की हालात की सिचुएशन और सारी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है वो मुश्किल से मुश्किल हालात का भी सामना करते हैं और अपना काम करके दिखा देते हैं, और इसी वजह से यही लोग रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे और ऐसे लोग ही तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।